कहना चाह रहे थे कि आजकल जो तुम्हें हिंदुस्तान से निकालने की बात कही जाती है, 2017 में हिंदुस्तान से निकालने की बात कही गई कि 2022 तक हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। लेकिन याद रखो, घबराया भी नहीं करो, इसलिए कि कोई नहीं निकाल सकता है जब तक हिंदुस्तान में गरीब नवाज का मदार रहेगा, शान से हिंदुस्तान में मुसलमान रहेगा। हम तो ये कहते हैं हमारे असम को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, हमारे असम को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, तारीफ पढ़ेंगे तो पहचान जाएंगे। और यही पैदा हुए हम, यही बेतफन भी होंगे, यही पैदा हुए हम, यही बेतफन भी होंगे। गलतफहमी में ना रहना के पाकिस्तान जाएंगे, गलतफहमी में ना रहना के पाकिस्तान जाएंगे। और शायद ही की चौखट पे खाली हाथ जाना है, शायद ही की चौखट पे खाली हाथ जाना है। लोग गुल चलाते हैं, हमें दिल चलाना है। शायद ही की चौखट पे खाली हाथ जाना है, लोग गुल चलाते हैं, हमें दिल चलाना है। और एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम, एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम। अरे पुश्त पे नवासा है बंदगी में नाना है, पुश्त पे नवासा है बंदगी में नाना है। लेकिन सुनो, चार मित्र सुनने के बाद कोई नबी का वफादार खामोश नहीं रह सकता। जब तक हाफिज हादिसे कतिया हजरत अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह सईद के लमक्की की चेहरे की ज़ियारत कीजिएगा और सईद अहमद सुभानी के चार मित्रों को सुनिएगा, वापस से कह दे सुभान अल्लाह। जिस तरह से आप सुन रहे थे उसके अंदाज से बोलिए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा मुस्कुरा के जानते हैं तो मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह, मुस्कुराना भी तो नबी की सुन्नत है, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। शेर सुनिए हजरात, इंशाल्लाह चार मुसलों को सुनने के बाद कोई नबी का वफादार खामोश नहीं रह सकता। कि जो बीमार मोहब्बत है दवा खाना नहीं रखते, जो बीमार मोहब्बत है दवा खाना नहीं रखते, मरीजों के लिए कोई शिफा खाना नहीं रखते। और खुदा की जात पर कितना भरोसा है परिंदों को, खुदा की जात पर कितना भरोसा है परिंदों को, जो अपनी चोंच में कल के लिए दाना नहीं रखते, वो अपनी चोंच में कल के लिए दाना नहीं रखते। आइए तशरीफ ला रखे हैं, मैं नबी रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए आवाज था जनाब मोहतरम शकरे तरुण बुलबुल बागे रिसालत मताहे रसूल बागे तैयबा के फूल आशिक रसूल गुलाम रसा जनाब मोहतरम आसम इकबाल रामपुरी को पेश कर रहा हूं कि वो माइक पर आए और नबी रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुनगुना करम समरी इकबाल के कुलूब को मुनव्वर अबू जल्ला फरमाए। आइए आने वाले मेहमान का जोरदार से बदली के साथ नारे तकबीर रिसालत से इस्तकबाल कीजिए, खैर मकदम कीजिए। यह आपको बिना किसी हवाई जहाज के टिकट के तसव्वुरी तसव्वुर में यह आपको मदीना शरीफ की सैर करा देंगे सुभान अल्लाह। अब जो लोग मदीना शरीफ जाना चाहते हैं वो हाथ दबाकर यहाँ दबाकर बोलेंगे सुभान अल्लाह, नारे तकबीर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो तरतन सुनिए अल्हम्दुलिल्लाह। हमें सुननी ही चाहिए, वो तुमने ही चाहिए। इसलिए हजरात एक जगह हम जलसे में गए, पहले लोग गुस्से में आ गया, पहले मैंने कहा जल्दी फरमाना, बोले इतने ऐसे जलसे दूसरे नहीं होना चाहिए, इतने शार नहीं पढ़ने चाहिए, ये शेर नहीं होने चाहिए। मैंने कहा कमजोरी की भी गुस्से की अलामत है, मैंने कहा जल्दी बताइए क्या करना होना चाहिए। कहने लगे मौलाना मरने के बाद तीजा नहीं होना चाहिए, 10 बार नहीं होना चाहिए, 20 बार नहीं होना चाहिए, 40 बार नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ ना होना चाहिए। मैंने कहा रे नादान सब कुछ होना चाहिए, लेकिन तुम जैसा नाजायज इंसान दुनिया में नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि बुलबुल को फूल शमा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शमा को परवाना चाहिए, हम तो रसूल पाक का दीवाना चाहिए और इसके रसूल से दिल तप जाना चाहिए, सिकरे मुस्तफा से रूह को गरमाना चाहिए। और एक शेर 24 नंबरी के नाम के, जो जो भी करते हैं मेरे आका की बुराई, जो जो भी करते हैं मेरे आका की बुराई, उनको तो पैदा होते ही मर जाए।